हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दड़ा। हाँ तो गाइस, फाइनली मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी का मोस्ट एंटीसिपेटेड ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जिसका जो नाम है पुष्पा दरुल। और ट्रेलर, ओ भाई साहब, जिस लेवल का यहाँ पर डायरेक्टर सुकुमार सर का विजन देखने को मिल रहा है, तो मैं सही बताऊँ ना, एक पल के लिए मैं खुद सोच रहा था कि यार ये लोग क्या बना दिए हैं। भाई सच बता रहा हूँ, ये ट्रेलर मत बोलना, इसे ट्रेलर मत बोलना, इसे वो तबाही बोलना जो कि 5 दिसंबर के दिन इंडियन सिनेमा में गिरने वाली है। तो गाइस बात कर लेते हैं ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है 2:48 का, मतलब कि नियरेस्ट 3 मिनट बोल सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आपको इतने मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस दिखाई देने वाले, स्पेशली हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाई दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया वो मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन पे कि हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाई दिया या नहीं दिया। काफी लोग बोल रहे थे ना, हर्ष भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हेलीकॉप्टर तो देख ही लिया होगा ऑलमोस्ट आप सभी ने, तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मुझे। तो भाई साहब ट्रेलर जब आप देखोगे ना, तो ट्रेलर में आपको जो यहाँ पर कट सीन डाले गए हैं, जो डीएसपी सर का विलन वाला बीजीएम डाला गया है, भंवर सिंह शेखावत का जो मैं हूं डॉन, मतलब यार पावरफुल लेवल पे। और भाई कौन से सीन के बारे में कहूं, क्योंकि यहां पर इतने मशीन गन वाले, इतने पावर शॉट देखने को मिले, इस तरह से फायरिंग हो रही है। और जगपति बाबू का आपने देखा क्या, वॉइस ओवर देखा क्या, जिस तरह से वो स्टार्टिंग में, और यार पॉट पर किस तरह से तबाही ढोलने को मिली है। और मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये ट्रेलर इस तरह का माहौल क्रिएट करने वाला है, किसी ने सोचा नहीं होगा। तो गाइस बात कर लेते हैं ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर में आपको काफी सारी चीजें दिखाई देने वाली है, चाहे वो एक्शन से रिलेटेड हो, इमोशनल से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टारडम से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, और भी काफी सारी चीजों से रिलेटेड हो, चाहे वो जनता से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपको एवरी थिंग इज पावरफुल दिखाई देने वाला है। और आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर पुष्पराज भाई सब श्रीवल्ली के पैर से, मतलब इस तरह से करते हुए नजर आए यार। और यार किस टाइप के सीन डाले गए हैं, काली माता वाला, जात्रा वाला, और चुनरी वाला सीन डाल दिया। मतलब कि जब मैं अभी सच बोलूँ ना, तो मुझे याद नहीं है कि ट्रेलर में कौन कौन से सीन डाले गए हैं, क्योंकि ट्रेलर भाई ट्रेलर नहीं है, तबाही ढोल रहा है। और इस ट्रेलर में भाई सब आपको वो चीज़ दिखाई देने वाली है जो कि इंडियन सिनेमा में अभी तक मिस की जा रही थी, अभी तक ढूंढी जा रही थी, बनाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर वो आपको दिखाई देने वाला है। और भाई वॉइस ओवर आप देख लो यार, वॉइस ओवर कितने प्रॉपर तरीके से। और पुष्पराज का डायलॉग देखा क्या, इंटरनेशनल, मतलब देख रहे हो इंटरनेशनल भाई, मतलब देखो आप भाई कहां से स्टार्ट किए थे, कहां पर पहुंच गए हैं। और भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पराज का फेस ऑफ भी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस ट्रेलर में ट्विस्ट तब आता है जब पुष्पराज में लात पड़ती है और वह समुद्र में जाकर गिरता है, देन भाई साहब ट्रेलर में ट्विस्ट सबसे पावरफुल आता है। और सेम ट्विस्ट भाई साहब अपने को थिएटर में भी दिखाई देने वाला, और इसमें इतनी सारी चीजें होने वाली है जो कि बड़े बड़े रिकॉर्ड को, चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में हो, रिकॉर्ड्स के मामले में हो, चाहे वो टिकट सोल्ड आउट के मामले में ही क्यों ना हो, मतलब कि सारे के सारे रिकॉर्ड भाई साहब आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर चबाकर फूक कर रखने वाले, क्योंकि ये ट्रेलर नहीं मोस्ट एंटीसिपेटेड ट्रेलर है जो कि मूवी की टीम की तरफ से शेयर कर दिया गया है। बाकी श्रीवल्ली मैम का कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल लगा, और कुछ न्यू कास्ट देखने को मिली, यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, मतलब कि मैंने आप लोगों को कहा था ना, पुष्पा पार्ट 1 से 1000 लाख टाइम भाई सब ये बिगर होने वाला, जो कि अपने को आउटपुट दिख ही रहा है ऑफिशियल ट्रेलर में। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है पुष्पा दरुल के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, मेरी अपडेट्स के बारे में, हेलीकॉप्टर देखने को मिला है या नहीं मिला है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, चलो बता दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।